पार्टी को वर्कर लेवल पे खड़ा करने के लिए। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। मैं जब से कांग्रेस में आया हूं कभी किसी वर्कर के खिलाफ भी मेरी आवाज नहीं उठी और ना ही उठेगी, समझे नहीं। लेकिन ये लड़ाई निजी है नहीं, ये ना तो निजी लड़ाई है ना किसी व्यक्तिगत तौर की लड़ाई है, ये लड़ाई एक आइडियोलॉजी की है, एक विचारधारा की है। वो विचारधारा जो पंजाब को, पंजाब के पुनरुत्थान को बल दे सके। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25-30 साल से पंजाब को खोखला किया, पंजाब के खजाने को जेबों में डाला, पंजाब को बेचा, गिरवी रखा, ठीक है। लोगों ने कभी गलत वोट नहीं डाला, लोगों ने आस और विश्वास के वोट डाले, ठीक है। दूसरी तरफ अब वो लोग लोकराज, देखिए बहुत सारे योगदान डाले सरकारें बनने में, पहले बादल साहब, फिर कैप्टन साहब, ठीक है। अब पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोग लोक शक्ति, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर लोगों के पास जाके कांग्रेस की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करना, कांग्रेस के विरसे के साथ आम वर्कर को जोड़ना, जोड़ने वाले को मान, तोड़ने वाले को अपमान। अब ये लोग तय करें कि जोड़ने वाला कौन है, तोड़ने वाला। और जोड़ने वाला भी जब मैं बात करता हूं तो भाई नीति से, पॉलिसी से। पंजाब कभी भी गुटबाजी से एक सिस्टम के शिकार हो गए हैं। क्या है सिस्टम कि जी मैं वो फलाने बंदे दे नाल जुड़ गया, फलाना बंदा फोन करेगा मेरा काम करा देगा, वो उन्हें कुटा देगा। ये सिस्टम की गुलामी है। लेकिन अगर नीतियां हों तो वो सबके लिए एक है, विरोधी पार्टी के लिए भी नीति है, समझे नहीं। वो पंजाब के लोगों के लिए नीति है। इसलिए नीति न्याय, क्या खैरा साहब के साथ जो हुआ है, हमारे साथ जो हुआ, क्या वो न्याय है? इसलिए नीति न्याय, इनके पॉलिसी, इनके बलबूते पे एक एजेंडा, विजन। ऑल मेन हैव आईज, फ्यू हैव द विजन। एक विजन जो सबको, मतलब सबको पसंद हो। मैं नहीं कहता कि ये पंजाब का अंडा है, भाई पंजाब का एजेंडा है, इसमें मेरा क्या है, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। गुरु साहब का फलसफा है, यदि आप बेहतर कर सकते हो तो आप बेहतर कीजिए, और यदि बेहतर कीजिए और मैं आपके पीछे चलूंगा। यदि ये बेहतर नहीं होता, आपके पास कुछ नहीं है तो आप निजी गालियां देना चाहते हैं तो दीजिए, उसका पंजाब के ऊपर कोई असर नहीं, उससे पंजाब कैसे बेहतर होता है, ठीक है कि नहीं। तो फिर भैया आप इस एजेंडे के पीछे चलिए। ये ना तो व्यक्तिगत लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप पंजाब की बेहतरी चाहते हैं तो इस एजेंडे पे संवाद कीजिए, इसमें मेरा तेरा नहीं, साडा पंजाब। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई, पहले दिन से कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं जो शब्द ना बन सके, ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो अक्षर ना बन सके, ऐसी कोई वनस्पति, पेड़ पौधा नहीं जो औषधि ना बन सके, और ऐसा कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं जो यथा योग्य जगह पे सम्मानित होके स्थापित ना हो सके। तो भाई वर्कर के बिना पार्टी नहीं खड़ी हो सकती, वो नीम है। तो नीम को तगड़ा करने के लिए अगर लोगों में जा रहे हैं तो प्रधान साहब ने भी कहा है और इंचार्ज साहब ने भी कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक मिनट देखिए जब यादव साहब आए, इससे पहले के प्रोग्राम थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अब मैंने बात की है, ये प्रोग्राम पहले सब कुछ जब आप आए हो तो, नहीं तो मुझे अगर पता होता कि ये मीटिंग है तो रैली 9 तारीख को कैसे रखते, तो मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा जाओ यार, अगर पहले से फिक्स है तो 24 को पार्टी के जो फ्रेमवर्क में यादव साहब, पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। हरीश जी थे, बड़े सम्मानित थे, उन्होंने कभी बात ही नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने इतना नहीं कहा ये सब खड़े हैं यहाँ, बल्कि कुछ लोगों को ये फोन गए वहां नहीं जाना। भैया हम भी तो कांग्रेस के वर्कर हैं, क्या आपत्ति है? तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं, इसका भी कोई गिला नहीं, समझे नहीं। लोग लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है,
लोगों के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर जाना और हाई कमांड को सुप्रीम मानना, ये हम सब सिपाहियों का फर्ज है, धर्म है, इसे निभाएंगे। लेकिन धर्मों से, धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। तो पंजाब के लिए आपने क्या करना है इसे बताए बिना कोई आपको कैसे वोट डालेगा? वी विल हैव टू रीइन्वेंट, हमें रीइन्वेंट करके अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों ने तो बदल ही दिया। सर, टू क्वेश्चंस, आपकी रैलियां जारी रहेंगी, दूसरा सवाल इंडिया अलायंस के ऊपर, आम आदमी पार्टी अलायंस चाहते हैं। मेरी एक बात सुनो, मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हाई कमांड देश हित में, राष्ट्र हित में, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, देश हित में, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो वो फैसला करेंगे हमें मानना है, हम उससे पूरी तरह से मानेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? कोई और क्या समझता है भाई, विचारों का मतभेद हो सकता है और कांग्रेस अलाउ करती है विचार, हम लोगों ने जाकर अलग अलग विचार रखे हैं राहुल जी के सामने, फैसला उनके हाथों में, ठीक है कि नहीं? तो पहली बात तो ये आपकी बने, अगला सवाल पूछो। सर, रैली जो आप कर रहे हैं, एक मिनट, मैंने कहा ना कि 24 को मैं करतारपुर भी जाऊँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो प्यार करते हैं वो कह रहे करतारपुर जाना, क्योंकि पंजाब के एजेंडे के लिए वहां जाना भी कहीं जरूरी है, ठीक है? तो एक रैली है 21, और कुछ मैंने एनजीटी में शिकायतें दे रखी, ठीक है, सरकार के खिलाफ, माइनिंग की या हो, तो ये दो तीन चीजें हैं। उसके बाद मैं यादव साहब को पहले ही कह चुका हूं कि अगर अनुशासन पालेंगे तभी शासन पालेंगे ना, लेकिन अनुशासन सबके लिए है, ये तो नहीं हो सकता ना कि चंद लोगों के लिए कुछ और है और बाकी लोगों के लिए कुछ और है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अब संपर्क, देखिए जब संपर्क टूटता है ना दोस्त, तो संदेह पैदा होता है और संदेह के धरातल पे विश्वास टूटता है। अब यादव साहब का एक संपर्क है, एक डोरी बंधी है संपर्क, जहां संपर्क होगा वहां विश्वास खुद ब खुद जगेगा और इकट्ठे होके काम करने में सबका भला है। सिद्धू साहब एक ट्वीट किया था आज, भैया मैं तो हमेशा ही ट्वीट करता रहता हूँ, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है।